कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हमेशा से लगता रहा है तुष्टीकरण का आरोप। झारखंड में हेमंत सरकार पर लगा है मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग से कमरे का किया गया है आवंटन। बीजेपी ने विधानसभा भवन में नमाज के लिए जगह देने पर सरकार पर किया वार। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण से ही हो जाएगा झारखंड राज्य का विकास? नमाज के लिए जगह तो फिर मंदिर और सरना स्थल की अनदेखी क्यों? क्या नमाज के लिए जगह देना ही सच्चे सेकुलरिज्म की परिभाषा है? भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर झारखंड विधानसभा में एक नया प्रयोग किया गया। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा अलॉट किया गया। इस मामले पर झारखंड की सियासत का पारा हाई हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के आदेश से कमरा नंबर TW 348 को नमाज के लिए आवंटित किया गया है। ये वही कमरा है जिसे नमाज के लिए अलॉट किया गया। सेकुलरिज्म के नाम पर नमाज के लिए आवंटित किए गए इस कमरे पर बीजेपी के नेताओं ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। पूर्व स्पीकर और बीजेपी के सीनियर एमएलए सीपी सिंह ने सरकार के इस पॉलिसी पर बयान दिया है। सिंह ने कहा कि वो नमाज के लिए दिए गए जगह का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए विधानसभा में मंदिर परिसर का निर्माण करना चाहिए। सिंह ने विधानसभा में बजरंग बली का विशाल मंदिर बनाने की मांग की। ये है कि आज देश के अंदर बरसों से आज़ादी के पहले से तुष्टिकरण की नीति चली आ रही है। मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस से लेके सारे जो दल हैं वो मुस्लिम तुष्टिकरण वोट के लिए करते हैं, और उसी के कारण झारखंड विधानसभा में एक कमरा नमाज अदा करने के लिए आवंटित की गई है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरा आग्रह है कि सर्व धर्म संभाव की भावना को देखते हुए वहां पर विधानसभा परिसर के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए, ताकि बहुसंख्यक विधायक हैं जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, साथ में 700-800 वहाँ कर्मचारी हैं, तो मंदिर होने से लोगों को भक्ति का भाव भी जगेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। खासकर यदि वहाँ बजरंग बली का विशालकाय मूर्ति लगता है, मंदिर बनता है, तो उनसे शक्ति भी प्राप्त होगी और एक भक्ति का भाव भी पैदा होगा। क्योंकि बजरंग बली आप सब जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के परम भक्त थे, तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि तुष्टिकरण की नीति न अपनाएं। वहीं इस संवेदनशील मुद्दे पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने भी बेतुका बयान दिया। अंसारी का कहना है कि मुस्लिम धर्म के विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान नमाज अदा करने में परेशानी होती थी, इसीलिए नमाज के लिए कमरा आवंटित कर सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। हालांकि जब उनसे दूसरे धर्म के लिए पूजा और प्रार्थना स्थल को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इसे अनसुना कर चलते बने। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, उसका काम है विरोध करना हर चीज का। ये अच्छा काम हुआ ना,
हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, दिक्कत होती थी थोड़ा नमाज पढ़ने में अपना केबिन में दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि उनको भी वहाँ पूजा पाठ करने के लिए रूम में मिलना चाहिए। चलिए सर, एक ही एक ही एक ही धर्म के लिए, एक ही धर्म के लिए, एक ही धर्म के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक ही धर्म के लिए ऐसा क्यों किया गया मंत्री जी? एक ही धर्म के लिए ऐसा क्यों किया गया? सब अपने यहाँ पूजा पाठ करता है, सब अपना पूजा पाठ करता है। नहीं तो यार रुकिए, रुकिए ना मंत्री जी, ये भी कहना है कि एक ही धर्म पर सरकार का ज्यादा ध्यान है। भारत में बीजेपी के उभार के पीछे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की तुष्टीकरण की नीति का बहुत बड़ा हाथ है। आने वाले वक्त में इस छद्म सेकुलरिज्म की नौटंकी की कीमत हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी को चुकानी होगी, क्योंकि झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का ख्वाब दिखाकर सत्ता में आए नेता नमाज का इंतजाम करने लगे तो उन पर बेरोजगार युवाओं का गुस्सा टूटना तय है। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।